हेलो एवरीवन। तो डॉक्टर डिंग अब हर्ट हो गई थी। डॉक्टर डिंग ने जब से उसे रिजेक्ट किया था तो अब वो अपना गम भुलाने के लिए एक बार में आती है चेंग के साथ। चेंग तो अपना डांस करने में मजे करने में लगा हुआ होता है जबकि डिंग एक साइड पर बैठकर बोतल के ऊपर बोतल खाली किए जा रही थी। यहाँ पर एक ड्रंक आदमी उसे तंग करने के लिए आता है लेकिन डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन चेंग वहाँ पर आ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। यहाँ पर चेंग डिंग को ज़्यादा ड्रिंक करने से मना करता है लेकिन डिंग उसे बताती है कि मेरी अल्कोहल बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सा पीने के बाद भी वो ड्रंक नहीं होती। चेंग उसे ये भी समझाता है कि एक्चुअली तुम्हें डिंग से प्यार नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन थी जिसे तुम ओवरकम कर सकती हो। जबकि दूसरी तरफ रोहान के घर पर शोए उसके मॉम डैड के साथ बैठा उसका वेट कर रहा होता है कि इतने में उसकी कॉल आती है और वो कहती है कि मैं भी नहीं आ पाऊंगी, प्लीज आप लोग डिनर कर ले, मेरा वेट ना करें। लेकिन शोए कहता है चाहे तुम कितने ही लेट क्यों ना हो जाओ, मेरा मन कर रहा है और मैं तुम्हारा वेट जरूर करूंगा। इतने में शियांग रोहान को बुलाता है कि पापा बुला रहे हैं, आए केक काटते हैं। ये बात शोए ने भी सुन ली थी और वो हर्ट भी हुआ था। शियांग के दादा ने आज उसे बहुत कुछ सिखाया था। जैसे ही वो लोग बर्थडे केक वहां पर रखते हैं तो शियांग उनसे एक गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। जो रॉक पेपर सीजर्स में हारेगा उसे ट्रुथ और डेयर खेलना होगा। सबसे पहले निंग की बारी थी, उसने डेयर चूज किया तो शियांग कहता है ठीक है फिर मामा को किस करके दिखाओ। अब वो एम्बेरस होता है और ट्रुथ चूज कर लेता है। अब उसके बाद वो लोग फिर से खेलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में बारी आती है रोहान की और वो डर के मारे खुद ही पहले ट्रुथ चूज करती है। शियांग को उसके दादा ने सब सिखाया था। वो क्वेश्चन करता है कि क्या आप अभी भी पापा को लाइक करती हो कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर तो निंग भी सुनना चाहता था। रोहान कहती है कि अब मुझ में इससे प्यार करने की हिम्मत नहीं है। एक्चुअली निंग ने उसको बहुत हर्ट किया था और जितना उसने सफर किया था अब उसमें हिम्मत हो भी नहीं सकती थी दोबारा प्यार करने की। अब ये जवाब सुनकर तो शियांग भी खामोश होकर दादा के पास चला जाता है। फिर हमें बार में ले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर चेंग एक कॉल सुनने के लिए बाहर को जाता है। इतने में डिंग सुनती है कि कोई कोलैप्स हो गया है और डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। डिंग फौरन से वहां जाती है। उस बेहोश आदमी का फ्रेंड बताता है कि उसको एक सर्टन कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन, और अब अचानक से उसकी सांसें भी बंद हो गई थी। डिंग फौरन से समझ जाती है और उसी टाइम पर जो चीजें वहां पर बार में अवेलेबल थी उन्हीं के थ्रू उसकी बॉडी में एक पाइप इंसर्ट करके उसकी सांसें बहाल कर देती है। अब हर कोई डिंग को रिस्पेक्ट शो कर रहा था, उसने वहीं पर ही एक जान बचाई थी। दूसरी तरफ निंग बहुत अपसेट बैठा हुआ था जब से उसने रोहान का आंसर सुना था। शियांग भी अपने डैड के लिए काफी परेशान हो गया था। इतने में दादाजी वहां पर आ जाते हैं। निंग अपने डैड से लड़ाई करता है और कहता है प्लीज आइंदा इन्फॉर्म किए बगैर यहाँ ना आना। लेकिन डैड तो उसे समझाने में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि रोहान ने तुम्हें इसलिए ऐसा कहा क्योंकि तुमने ही तो उसे कितना हर्ट किया है, वो डरती है कि कहीं फिर से उसका दिल ना टूट जाए, वरना मैंने उसकी आंखों में देखा है प्यार वो आज भी तुमसे करती है। लेकिन जब निंग कोई आंसर नहीं देता तो दादाजी वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली वो अपने किए पर शर्मिंदा लग रहे थे लेकिन निंग का इतना बड़ा दिल नहीं था अभी कि उनको माफ कर पाता। उधर रोहान बहुत लेट नाइट अपने घर वापस पहुंचती है। वो देखती है तो शोए उसका वेट कर रहा था और वो दोनों अपने घर के करीबी पार्क में चले जाते हैं। रोहान उससे सॉरी करती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा और फिर शोए उससे रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के बारे में बात करने लगता है। रोहान को बहुत सारी बातें उससे करनी थी। वो कहती है कि मैं सर्जन हूँ, अक्सर नाइट शिफ्ट पर भी रहती हूँ, मेरा काम बहुत सख्त है और वैसे भी इस वक्त जो टाइम चल रहा है ये मेरे कैरियर के लिए भी बहुत क्रिटिकल है, क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन शोए का कहना था मेरी नज़र में तुम एक एंजल हो, उस दिन मैंने तुम्हें जब जान बचाते देखा था तो तब भी मैं तुम्हारा फैन हो गया था और मैं तुम्हें लाइक भी करने लगा हूँ। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डिंग बहुत खुश थी क्योंकि उसने उस इंसान की जान बचाई थी, अगर वो उस वक्त ट्यूब इंसर्ट ना करती तो वो मर चुका होता। डिंग का इतना मूड खुश हो जाता है, वो कहने लगती है कि अब मेरे सर से प्यार व्यार का भूत उतर चुका है, मैंने उस पेशेंट को ठीक किया और इस केस के बाद मैं खुद भी ठीक हो गई हूँ। वो कहती है अब मैं और सैड नहीं होने वाली, मुझे अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है, मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकूंगी। उसका मूड अब एकदम ठीक हो गया था। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाती है तो जाते ही ऊंचा ऊंचा अनाउंस कर देती है सब सुन लो आज से मैं मिस्टर निंग को लाइक नहीं करती, और आज वो फुली प्रोफेशनल हुई हुई थी, बहुत ज्यादा चार्ज्ड। जबकि डॉक्टर निंग आज अपने कजन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाता है। वो उससे उसकी फैमिली के कुछ इश्यूज पर बातें करना चाहते थे।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं तो वहीं पर ही शोए और रोहन भी लंच करने के लिए आए हुए थे। अब वो दोनों अपना फेस तो छुपा लेते हैं, चाहते थे कि वो उनको ना देख सके। और निंग तो इतना क्यूरियस हुआ था कि उसने अपने फोन का कैमरा ऑन करके वहां से ही उनकी वीडियो देखनी शुरू की हुई थी। यहां पर वो देखता है रोहन के फेस पर एक नकली स्माइल थी। वो पहचान गया था कि ये असल में खुश नहीं नजर आ रही। और इसके साथ ही वो देख कर हैरान होते हैं कि शोए उसको कुछ पैसे देता है, और ये वो पैसे थे जो उस केस के थ्रू उसने जीते थे। अब वो दोनों वहीं पर बैठे बैठे चोरी चोरी उनकी बातें सुनते रहते हैं, और निंग के फेस से लग रहा था कि वो काफी जेलस भी हुआ है। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में उसी आंटी पेशेंट की बेटी जुआनजी बैठी हुई थी। वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि बिल के पैसे उससे पूरे नहीं हो रहे थे। यहाँ पर रोहन आकर उसे पैसे देती है। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोहन बताती है कि एक्चुअली ये तुम्हारे भाई के पैसे हैं जो कि अब तुम्हारी मम्मी के इलाज पर खर्च हो रहे हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। रोहन ने यही तो चाल चली थी, रेप्यूटेशनल डैमेज का केस करके उससे कॉम्पनसेशन ली और उसी से ही उसकी मम्मी का बिल पे किया। निंग भी ये सारा कुछ देख रहा था कि रोहन ने किसी अच्छे कॉज के लिए ये सब कुछ किया है। अब उसके बाद वो आंटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। आज के दिन श्यांग भी हॉस्पिटल में आया हुआ था अपने दादाजी को कुछ मेडिसन्स दिलाने के लिए। जुआनजी वहाँ पर श्यांग को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि ये निंग का बेटा है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जुआनजी उनसे कुछ छुपा रही है, वो श्यांग को जैसे पहचानती थी। अब नेक्स्ट डे निंग रोहन से कहता है कि तुम्हें पेशेंट के मामलात में इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा प्रोफेशनल डिस्टेंस भी रखा करो। और इतने में वहीं बैठे बैठे उसे जुआनजी की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि निंग के बेटे की क्या एज है। वो बताती है कि श्यांग 6 साल का है। जुआनजी ने ये झूठ बोला था कि जैसे वो डॉक्टर निंग के बेटे को कुछ कपड़े गिफ्ट करना चाहती है, उसने उसकी मम्मी का बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था इसके बदले। लेकिन रोहन बता देती है कि निंग गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। जबकि निंग से रोहन को फिर से डांट पड़ती है कि तुमने एक पेशेंट को अपना सेल फोन नंबर क्यों दिया। जबकि उधर डॉक्टर शेंग एक बात नोटिस कर रहा था, डॉक्टर डिंग आजकल एक और डॉक्टर से काफी क्लोज हुई थी जो कि एक और डिपार्टमेंट से था, लेकिन उसने भी ठान ली थी कि इन दोनों की दाल वो गलने नहीं देगा। उस डॉक्टर ने उसे मैकडोनल्ड का नाश्ता गिफ्ट किया था, वो उठा के वो डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि तुम ट्रेडिशनल नाश्ता करो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद एलिवेटर में भी वो डॉक्टर डिंग को मिलता है और उससे कहता है कि आज लंच मेरे साथ करना। चेंग ने भी फैसला कर लिया था कि इनको लंच नहीं करने देगा, वो आज क्लिनिक में जाते हैं। और चेंग नर्स से कहता है कि कितने पेशेंट्स हैं, 40 हैं तो 20 और भी एंटर कर दो, इतनी लंबी लिस्ट बनाओ कि आज लंच यहीं गुजर जाए। और फिर बस इसी तरह से समय गुजरता चला जाता है। डिंग इंतजार करती है कि कभी तो क्यू खत्म होगी, लेकिन क्यू थी कि बहुत लंबी लग गई थी। इतने में वहाँ पर एक शर्मिला सा पेशेंट आता है जिसके साथ कुछ अजीब से इश्यूज थे, और वो बस इसी इंतजार में था कि किसी टाइम पर लेडी डॉक्टर बाहर निकले तो वो जाकर चेंग को अपना मसला बताए। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, वो जिस वक्त चेंग को अपना चेकअप कराने के लिए शर्ट खोलता है उसी वक्त डिंग ऊपर से आ जाती है। अब वो पेशेंट काफी शर्मिंदा होता है, लेकिन बाद में चेन और डिंग उसे इनकरेज करते हैं, कहते हैं कि देखो डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी के इलाज के लिए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज रात को जब ऑफ टाइम होता है तो रोहन की गाड़ी में दोबारा से निंग आकर बैठ जाता है, कहता है अभी तक मेरी गाड़ी ठीक नहीं हुई और आज वैसे भी मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ क्योंकि लान ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया है। अब जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि आगे शोए भी आया हुआ है। लान चाहता नहीं था कि शोए के साथ उसकी सिस्टर का कपल बने, तो वो ऐसा करता है कि उसे चिढ़ाने के लिए बार बार निंग को जीजू कह रहा था और उसी नहीं उसे इनवाइट भी किया था। अब जब रोहन चेंज करने के लिए जाती है तो पीछे लान जानबूझकर निंग को कहने लगता है कि जीजू अगले हफ्ते मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ जा रही है ना दूसरे शहर एक सेमिनार अटेंड करने। शोए ये सुनकर काफी जेलस तो हुआ था, लेकिन बस वो शो नहीं कराता। वेल उसके बाद डिनर रेडी हो जाता है। अब हर कोई खाने की टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन दो राइवल्स भी थे, और यहाँ पर डैड हमेशा साइड लेते थे शोए की और लान साइड लेता था अपने जीजू निंग की। अब शोए बेचारा जो कुछ भी करने की कोशिश करता था निंग या लान उसे टोकते रहते थे। निंग तो सारी बातें मेडिकल ग्राउंड्स पर करता है, कहता है कि खाली पेट हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये डैड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। और उसकी इस तरह से बातें सुन सुनकर शोए शर्मिंदा होता रहता था, लेकिन रोहन उसे किसी न किसी तरह कवर करा देती थी। अब इस लव ट्रायंगल का क्या बनेगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।